मॉर्निंग। आज क्रूज ट्रिप का सेकेंड डे है और फाइनली हम लोग मुंबई टर्मिनल से गोवा टर्मिनल आ चुके हैं और पूरा रात भर का सफ़र रहा 14 घंटे का क्रूज़ में। और इस क्रूज़ में हम सभी लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आप देखिए ये जो क्रूज़ है, ये हम सब लोग 10वें फ्लोर टॉप फ्लोर पे हैं और साथ में हमारे टीम के गुरगोल सुरेंद्र भी है जो क्रूज़ का टारगेट हमारे साथ जीती थी, रांची से हैं। हम सब लोग मस्ती कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्रूज में घूमने का, पहली बार मौका मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा जो क्रूज टारगेट जीतने पर इतना आनंद मिलता है, बहुत ही अच्छा, इतना सुंदर है कि सपना में भी हम लोग नहीं देख सकते। घूमते रहिए। और इस तरह हम लोगों को रूफ की ओर इतना सुंदर जगह लेकर के लाया है। जब भी टारगेट निकलता है दोस्तों, आप सभी उस टारगेट को जीते ताकि जो सपना है वो सपना पूरा हो सके। बहुत ही अच्छा है, ऐसा ज़िंदगी में नहीं मिला था जो पहली बार मिला। आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को। अगर साथ होते तो क्या मज़ा आता। और टीम को भी। अगली बार मैं साथ लेकर के आऊँगी और टीम से 10 लोगों को ज़रूर लेकर के आऊँगी ताकि इस जीवन में जो सपना है वो सपना मैं पूरा कर पाऊँ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों। अब मेरी धर्म पत्नी है, मैं चाहता हूँ दो शब्द बोले, वो कैसा फील कर रही है। मैं उनको लेकर के आया हूँ, प्रॉमिस किया था कि हम जब भी जाएंगे क्रूज़ में तो साथ जाएंगे हम दोनों पति पत्नी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ दो शब्द बोले प्लीज़। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली क्रूज़ का ट्रिप एक सपना जो सच हो गया। और अब पिछले 12-15 घंटों से इस क्रूज़ पे हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये नज़ारा चारों तरफ बहुत ही मेसमराइजिंग है। 2 दिन से पानी के ऊपर एक ऐसा जीवन जी रही हूँ जो कल्पना में भी नहीं था। मैं बचपन से बहुत स्टीमर्स वगैरह पे, मैं बहुत घूमने फिरने में बिलीव करती हूँ, तो बहुत घूमती आ रही हूँ। लेकिन कलकत्ता की शिफ्ट में बहुत घूमी हूँ, बट दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे लाइफ ऑन अ रूफ कह सकते हैं, जहाँ एवरीथिंग इज़ ऑन अ रूफ। सो यहाँ आप ऐसा नहीं कि बस घूम रहे हैं, देन फॉर मी यू हैव टू लुक आफ्टर एनी अदर पोजिशन और एनी अदर लोकेशन और फॉर डांस म्यूजिक फॉर एनी फंक्शन फॉर एनी ईव। दिस इज़ द वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप भी इसको जीते और एंजॉय करें और आए और एक अलग दुनिया को जिए। हाँ, ये फाइनली मेरी वाइफ ने बताया कि कैसा फील कर रही है वो। रियली दोस्तों बहुत बेहतर, बहुत शानदार फील कर रहा हूँ। और रियली मैं लाइफ का जो जीने का जो मज़ा है वो क्रूज़ में है, सारी दुनिया से अलग कर एक नई दुनिया है जहाँ पर इस जगह पे है, ऐसे क्रूज़ में है जहाँ पर 850 कमरे हैं, लग्जरी फ्लैट्स हैं, 10 फ्लोर का है, आप सब टॉप फ्लोर पे हैं, बहुत इंजॉय किया। आप सब अब हम लोग गोवा में इंजॉय करेंगे पूरा दिन भर, फिर शाम को पार्क में फिर रवाना होंगे मुंबई टर्मिनल के लिए। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग जरूर खूब मेहनत करें और अगली बार जब भी हम सभी लोग हमारे जो डायरेक्टर हैं, महान डायरेक्टर परवीन सर, संजय सर, सुरेश सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है, जब भी वो अगली बार टारगेट निकालें मैम जरूर जो है आप सब लोग उस टारगेट को जीते जैसे हमने जीता, हमारे साथ के लोग जीते। आप लोग हमारे टीम के वाले लोग नहीं हैं तो बहुत मिस कर रहे हैं, खूब मेहनत करें, ऑल द बेस्ट। क्रूज़ अगर एक बार आ गए तो समझिए कि सारी दुनिया आपने जी लिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।